बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पैना जी ने आ गई, मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं आज जी दोपहर का, दोपहर की रूटीन और आपके साथ शेयर करती हूँ दोपहर का खाना। खाना हम क्या खाने लगे हैं, ये देखे जी बच्चों ने ना, एक दो दिन पहले मैंने, तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने बनाए थे आलू वाले परांठे। बच्चे कहते हैं कि जी आज खाना खाने में ना, वैसे तो हमने भिंडी बनाई थी, लेकिन बच्चे कहते हैं कि जी आज आलू वाले बनाए परांठे, वो बड़े मजे के बने थे। मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं। तो मैंने मैं बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह मैं बना बना के रखी जा रही हूँ, पेड़े बनाए हैं मैंने। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं, जिस चीज में खाने हैं सो बिस्मिल्लाह, आइए खाइए। साथ में मियाँ साहब आज दही लेके आ गए हैं, तो वो भी निकालते हैं बर्तन में। पहले दही निकालते हैं, और बच्चों को मैंने बोला है कि इसके अंदर ना पुदीना और हरी मिर्च धनिया डाल के तो बनाए, कहते हैं कि नहीं इस तरह। ये देखें बाजार की दही कुछ इस तरह मिलती है, तो आजकल मैं ना घर में कोई नहीं अभी दही लगा रही। ये देखें कोशिश करती हूँ कि लगाते ही हैं, घर में ही लगाए, ये बड़ा मुश्किल काम है, बाजार से मुझे नहीं पसंद आता। अच्छा जी, सबसे पहले बनाते हैं परांठा। ये मैंने शलफ जो है अच्छी तरह साफ कर ली है। आज मैंने जो है ना इसका भी, इसकी भी सफाई वगैरह करनी है। ये चीनी वाला डिब्बा है, और ये घी अभी है, इतने पैसे हैं। ये देखिए एक दो, मेरा दिल है कि आज इसकी ना सारी नीट क्लीन इसको करके ना इसकी सफाई वगैरह करते हैं, और देखते हैं कितना राशन रह गया या कितना नहीं रह गया। अभी आगे से जो है ना रमजान के लिए इंशाल्लाह पर्ची बनाते हैं, लिस्ट बना के वो ले जाएंगे, तो राशन ले आएंगे सारा। अभी चेक करूंगी ना, आज देखूंगी क्या क्या चीज है क्या नहीं है, इस तरह की सारी चीजें का पता चल जाता है। बड़ी मुश्किल हो गई है, फ्रिज भी खराब है, और ऊपर से जो है ना गर्मी भी है। क्या गर्मी भी है? गर्मी भी आ रही है। वैसे तो अच्छा, एक ना और मैं आपको बताती हूँ बात, सारे ना लोग ऐसे करते हैं कि वो चीजें जो है ना सेव करके रख देते हैं, मैं नहीं रखती। मैं फौरी बनाती हूँ ताजी 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 ताजी। कोई भी चीज है फ्रिज की पड़ी हुई मुझे नहीं पसंद। कहते हो इनके घर दो काम तो बहुत ज्यादा होते हैं, आलू वाले परांठे और दूसरे नंबर पे क्या वो चिकन, हम बहुत काम खाते हैं। अच्छा जी तवा गर्म हो जाए तो फिर परांठा बनाते हैं, फिर आपको। अच्छा जी, तो आजकल मेरी जो वीडियो है ना वो बना रही है बहू, और वो कैमरा लेट ले गया, मैंने उसको बोला कि जल्दी जल्दी आ क्या कीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी आपने बताना है कि वो बना रही है सही या कि नहीं बना रही है। परांठे जो है ना 12 बजे के आज बड़े मजे के हैं, दही भी सुबह मैंने मंगवा ली थी। तो ये देखे जी माशाल्लाह परांठा तैयार हो गया। मैं तो जिस तरह बनाती हूँ आपका पता नहीं, आपको किस किस को ये पसंद आया है आपने जरूर कमेंट में बताना है। आलू आ जाए सही तरह ना,
साथ में इसको हुड को ऑन करती हूँ। ये देखो जी आज मेरा परांठा नहीं सही बना। अच्छा जी तो ये देखे आज चादर जो है ना वो खुद सही कर रही है। मेरी बहू कह रही है कि मैंने आज खुद डाल के चेक करना है कि मैंने इसको बोला है कि मैं कर दूंगी लेकिन ये कह रही है कि मैंने खुद डालनी आज इसको करने दे। कमरा वैसे माशाल्लाह मियां साहब आजकल बहुत डांटते हैं मुझे। आज मियां साहब ने इतना डांटा है ना तो इनसे बात करें क्यों डांटते हैं पूछे। तो पहना जी ने आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब भी कर दे। आज मैं कुछ काम करने लगी थी ऊपर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो है ना ऊपर वाला पोर्शन और ऊपर वाला कमरा जो है आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने इस तरह कर दिया ये देखे सारी सेटिंग मैंने की थी और कपड़ों का रश अभी बड़ा पड़ा हुआ है क्योंकि आजकल गर्मियां हैं। गर्मियों के कपड़े निकालो रखो प्रेस करो ये करो वो करो यही निकाम खत्म हो रहा। अभी ये टोकरी के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा कपड़े प्रेस करने वाले हैं। अभी वो पार के भी गई है थोड़े से कपड़े भी और अभी बेटी आ रही है वो कहती है कि मैं थोड़े से करती हूँ। मैं जो हूँ मैं साथ साथ निकाली जा रही हूँ कुछ वाश करती हूँ इस तरह बस आजकल जो है रूटीन इस तरह चल रही। बात करें जी आप ही बोले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर की हाल ने ठीक ठाक असि आज नवी वीडियो के साथ आए हैं। आंदी मेरी वीडियो जावया कर चलो जी को चार ज्यादा वेखन कर। तो पहना जी इनसे बोला करें ना बातें करें ये कहते हैं मुझे ना बातें नहीं आती। बातें करेंगे तो बातें आएंगी ना। बातें मैं बहुत ज्यादा होंगी ना पंजाबी आंदी ने। कोई बात नहीं बोले आप पंजाबी में बात करें करें तो सही। मैं कौन सा इतना बड़ा इंग्लिश बोल लेती हूँ मैं भी तो उर्दू में ही करती हूँ ना। बल्कि घर के काम कर दी है ते लगी रही है बल्कि मैं भी कराना दम रल के करने जिम्मे मैं काम आखना है नहीं कर रहे नहीं है नहीं करना है नहीं करना। देखें आप खुद ही देख लें कि औरतों का और मर्दों का काम में फर्क तो होता है ना। अच्छा जी तो आज का मेरा मौजू था कि जो मेरे प्यार पे नाजरीन है व्यूवर है वो कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ किया करें हमारे नाम लिया करें। मैंने ना एक दिन बनाया है जो कि इंशाल्लाह चाहे जुमे का हो चाहे इतवार का हो उस दिन मैं सबके नाम लिया करूंगी और उसके बाद जो है ना काम करने की वीडियो होती है और क्या बंदा करे। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बंदा रोज नए कपड़े पहने होटलों पे जाए ये करे वो करे बाहर जाके वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ साथ साथ घर के काम भी हो जाते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी हो जाती हैं तो इंशाल्लाह आगे से अपनी रूटीन जो है आपके साथ शेयर किया करूंगी रोजाना की। जो भी काम करूंगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगी और जो भी कोई बात होगी वो भी आगे से। जी आ गई है शादी वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है किस मकसद के। अभी चल जाएगी इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे फिर इसके बाद जाएंगे अफसाबाद में शादी है आपके साथ इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग जो है शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरे साथ साथ रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो आपने जरूर लाइक करना है और शेयर करना है सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा जी तो शादी के लिए ना कपड़े मैं निकाल रही हूँ नए नए मैंने सोचा कि चले निकालते हैं आप देखते हैं। तो अभी इतनी देर तो हुई कोई नहीं क्योंकि 2-3 माह हुए हैं बेटे की शादी के तो मैंने सोचा कि वही कपड़े पहन लेते हैं कौन सा पुराने हो जाते हैं। तो ऐसी बातें बनी होती है लोग कहते हैं ये उसने उस शादी पे पहने थे अभी नहीं पहनेंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा दिल है जो कि मैंने बनाए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपने मुझे जरूर बताना है कि वो सही है वो पहनने चाहिए या कि नहीं चाहिए पहनने। वाई बंद कर देती है ना ना चल रही है वाई थोड़ी चलाई रखेगा। हाँ मैं कपड़े निकाल रही थी ना तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी देर के लिए ना इधर फिर आ गई। लमारी तेरे ना ऊंची ऊंची हो जा थोड़ी जी। हाँ ऊंची बहुत ज्यादा कपड़े हैं मैं बच्चों को कहती हूँ अगर नहीं पहनने आपने तो कहीं से ना किसी को दे दें ताकि किसी का भी भला हो जाए। अच्छा जी तो ये मेरा ड्रेस है जो कि मेरे बेटे की बरात का है एक मैंने वो निकाला है एक ये निकाला है। अभी वो ऊपर वाला जो टैंची है कह रही है उसको नीचे उतारूंगी उसमें से कपड़े देखेंगे जितने भी कपड़े हैं ना मैंने इस दफा उसमें रख दिए हैं क्योंकि इधर ना बार बार निकल आते थे बाहर आ जाते थे क्योंकि कोई भी चीज निकालती थी ना तो उसके साथ। तो ये देखे मेरा बड़ा प्यारा सा ड्रेस है अभी मैंने जो पूरा कैरी करूंगी ना तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी आप देखेंगे। बाकी में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे मैं खुद ही कह रही हूँ अगर आप देखेंगे तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि बाकी प्यारा लगता है। अभी इस दफा ना नए कपड़े लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है
क्योंकि आप मेरी वीडियो तो देखते नहीं है, वीडियो पूरी देखा करें, पूरी वीडियो वॉच किया करें, तो फिर इंशाल्लाह मेरा चैनल जो है आगे जाएगा तो फायदा होगा ना। अगर आगे देखेंगे नहीं तो फायदा कैसे होगा? फिर कपड़े जुतियां लगाना। हाँ, फिर ज्यादा मैं कपड़े ही करूंगी। पुरानी पाने जितनी देर तक आप मेरा चैनल नहीं ना सेट होता उतनी देर तक मैंने कपड़े नहीं लेने ही नहीं है, यही पहनूंगी बार बार। अच्छा जी, ये मैंने रात को वॉश किए थे, ये मैंने गर्मी वाले निकाल के रखे हैं, इनको प्रेस करना है। अभी ये टोकरी बड़ी पड़ी हुई है क्योंकि थोड़े से बहू ने किए हैं, तो उसके बाद जो है ना वो ये भी आप करेंगे। इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा। ये दुपट्टा मिल गया, ये देखे जी, इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है सबसे ज्यादा। ये देखिए, जब इसको क्यारी करूंगी ना तो गोल्ड का सेट पहनूंगी तो फिर बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखिए, ये जी पूरी इसकी लुक है, अभी पहन के तो पता चलेगा। तो दोनों ही कर देती है क्या? चल, ये देखिए, अभी बच्चे तो मुझे कह रहे हैं कि मामा आपने व्लॉग में आना होता है, आपने जो है ना वीडियो बनानी होती है, तो आप ऐसा करें कि ये भी ड्रेस बनवा लें। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने नहीं बनवाना, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है, 5 दिन रह गए हैं, 6 से 7 दिन रह गए हैं, तकरीबन 7 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, बस इतने ही है, थोड़ा टाइम है, इतनी जल्दी मुझे कोई सिलाई भी नहीं करके देगा। और ये भी अच्छा है, दिल तो कर रहा है कभी कभी कर ही लूं। चीजें तो बहुत हैं लेकिन नहीं, अभी कुछ प्रोग्राम नहीं है। अभी इसको मैं ऐसे रखती हूँ, बाद में इसको डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ये इसकी जो है ना शर्ट है, साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई है। थोड़े से मेरे कपड़े थे वो मैंने वॉश करने थे, आइए वो भी आपको दिखाती हूँ। एक तो ना मशीन का झंझट जो है ना वो खत्म होता ही नहीं है। अभी तो इसे बच्चों के यूनिफॉर्म थे, आज संडे था, तो मैंने सोचा कि चले जो है ना थोड़े से कपड़े भी हैं वो भी साथ ही जो है वॉश कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े ऐसे थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा जी, इसको अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी थोड़े से इसका ना चक्कर काम आया है, इसको दोबारा से मैंने ले लिया। हाथ वॉश करती हूँ, कमरे का काम खत्म कर लूँ तो फिर जो है ये काम। चादर ठीक कर लूँ क्योंकि आज सुबह की मैंने की ही कोई नहीं। एक तो हैंगर ना रख दिए। हाँ, ये कपड़े अभी प्रेस करने वाले हैं ना, तो आजकल जी मेडिसिन मेरी चल रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा डॉक्टर कहता है कि आपका बीपी जो है ना वो बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ही कम हो गया था, पहले मेरा बढ़ता था अब कम हो जाता है एकदम से, पता नहीं क्या है। फिर उसने मुझे इतनी बड़ी जो है ना मेडिसिन दी हुई है, डॉक्टर तो वैसे भी जाए ना उसके पास तो वो फिर खाली तो नहीं ना आने देते, वो तो कहते हैं ना चले कुछ नहीं तो और कुछ नहीं तो 1-2 दिन की तो मेडिसिन देनी चाहिए ना इनको। अक्सर ऐसा होता है जब मौसम चेंज होता है ना तो थोड़ी सी तबीयत जो है डाउन हो जाती है, तो आज मैं देखती हूँ कि अगर आप इस तरह की वीडियो जो है पसंद करेंगे तो फिर देखेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की भी बनाया करूंगी, साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे। वो बंद करें जी दरवाजा, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं तो अभी ये कपड़े जो है ना गर्मियों वाले कपड़ा काम खत्म नहीं हो रहा मेरा। मुझे ना होता है कि ये कि मैं जब भी निकालती हूँ ना उनको वॉश करती हूँ, जब रखती हूँ फिर वो उनको वॉश करके रखती हूँ, यही मसला होता है मेरा।
मियाँ साहब भी आज साथ साथ मेरे काम करवा रहे। वो कह रहे थे अगर कोई बेटी ना जो है ना वो उसका आज वो सो गई है तो बहू जो है वो थोड़ी सी बना के वो चली गई है नीचे, क्योंकि वो भी कपड़े प्रेस कर रही थी। अभी मैंने उसको बोला कि आप नीचे चली जाओ, हम साथ साथ जो है ना ये काम भी कर लेती हूँ और दूसरे नंबर पे जो है ना ये छोटा मोटा काम है ये भी मैं ये देखे जी मैंने एसी वाला कंबल भी निकाल लिया है। इतना प्यारा लग रहा था ना आज हमारा कमरा। कमरे ना कोई मेहनत करें कमरा प्यारा ही लगता था, ये मेहनत ना करें कमरा कितना प्यारा लगता है। ये देखिए कमरा हो गया नीट क्लीन, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी ये है बेडशीट, ये उठा कर इसके अंदर कुछ कपड़े हैं नीचे जाने थे, कपड़ों का राश नहीं ऊपर से खत्म होता क्योंकि ऊपर कपड़ों का किसी ने यह भी बोला थी आप मनिया क्यों जोड़िया ने चार पाइया क्यों फलिया कितने कौन सौदा ये पिंडा का रिवाज है कि पिंडा च ना लोग अगे जेज की जगह तेर देंदे सन, कोई मान आ जाए कोई खानदान ज्यादा जी आ जा ज्यादा जी आ जा तो फिर इन्हों अतार खेलते अगे उछा देंगे उछाइया इस तरीके की यह तो सारी जिंदगी जुड़िया रहा ने जो भी ब्लॉग बनाया इन्हों में आ जाना करना। हाँ जी ये बहू के जहेज में आई है तो अभी इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले ही है चार पाई है तो फिर इनका अभी यूज नहीं करूंगी, जब गर्मियां आएंगी तो इंशाल्लाह कोई ब्लॉग बनाऊंगी तो जरूर इनकी जो है ना इनको इस्तेमाल करूंगी, बल्कि हो सकता है कि आज ही मैं करूँ इंशाल्लाह। मैंने थोड़ा सा एक सोचा हुआ है जैसे कि गाँव के होते हैं ना वो क्या कहते हैं विलेज ब्लॉग, उस तरह का बनाने की कोशिश करूंगी, इनको चार पाइन डालूंगी और ऊपर से कुछ चीजें ला के रखूंगी तो इंशाल्लाह फिर वो भी आपको दिखाऊं। ये चार पाइया बिल्कुल सेट बैठे हैं, मैंने कार तीन मुझे देखे ये एक पीस पड़ा हुआ था बड़ा प्यारा सा, ये भी मैंने निकाल लिया है, मासे का बनाऊंगी।